इनमें से कौन सा मसल जो है वे हॉरर टेरर और फ्राइट का है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मसल ऑफ हॉरर टेरर एंड फ्लाइट? HTF हमसे हमने जो है वो एक बनाया था शॉर्ट फॉर्म और उससे हमने याद किया था। इट इज़ योर प्लेटिस्मा। प्लेटिस्मा इज द मसल ऑफ हॉरर टेरर एंड फ्लाइट। ठीक है। ट्रेपेजियस इज सप्लाइड बाय स्पाइनल एक्सेसरी नर्व। ट्रेपेजियस मसल की जो सप्लाई है वो हमने अपनी हेड एंड नेक की सप्लाई में भी पड़ी थी, क्योंकि जो ब्रांच है वो आपके पास जो सर्वाइकल सब सब सुप्रा स्कैपुलर एरिया में जो है वहाँ वहाँ से जो मिल रही होती है, क्योंकि वो एरिया भी हम हेड और नेक में कवर करते हैं। तो हमने इसकी ब्लड सप्लाई भी पढ़ी थी और इसका नंबर भी पढ़ा था। तो ट्रेपेजियस मसल इज सप्लाइड बाय स्पाइनल एक्सेसरी नर्व। इन फेशियल पेल्सी विच मसल इज़ पैरालाइज ऑर्बिक्यूलर ऑर्बिक्यूलरिस? लास्ट हमने जो BCQs पढ़े थे हमने उसमें पढ़ा था, एक पेशेंट है उसको फेशियल उसको जो है वो बेल्स पेल्सी हो गया है और उसमें जो है वो उसकी आँख के जो साइड के जो मसल्स हैं और जो वो और जो आँख के जो ब्लिंक है वो नहीं हो पा रही हैं और वो लटक के रह गई हैं। तो आँखों के चारों तरफ था तो यहाँ पे लिखा हुआ है ऑर्बिक्यूलरिस ऑक्युलाई, तो ये उससे बिल्कुल कनेक्ट हो रहा है। तो एक BCQ से दो के आंसर आपको मिल सकते हैं। इन फेशियल पेल्सी ऑर्बिक्यूलर ऑर्बिक्यूलरिस ऑक्युलाई मसल इज़ पैरालाइज। अब जो हमने ट्राइंगुलर नेक ट्राइंगल्स ऑफ नेक्स पढ़े थे 6 ट्राइंगल, तो उसके जो उसके बारे में जो थोड़े से BCQs हैं वो देख लेते हैं कि रिगार्डिंग पोस्टीरियर ट्राइंगल ऑफ नेक। जो आपको पोस्टीरियर ट्राइंगल है नेक का, उसकी जो बेस है इज़ फाउंड बाय थर्ड ऑफ क्लेविकल, या फिर डिवाइडेड बाय सुपीरियर बेली ऑफ ओमोहायोइड, या फिर नॉट डिवाइडेड बाय इंटीरियर बेली। तो हमें पता है कि जो पोस्टीरियर ट्राइंगल है उसमें हमारे पास जो पोस्टीरियर बेली है वो स्टेनोक्लियोडोमास्टाइट बना रहा होता है और जो इंटीरियर बेली होती है उसको डायगेस्ट्रिक मसल की एंटीरियर बेली बना रही होती है, जबकि जो उसकी बेस होती है जो उसकी हाँ जो बेस होती है उस वो बन रही होती है आपकी क्लेविकल से, क्लेविकल बना रही होती है। तो यहाँ पे सही लिखा हुआ है बेस इज़ फॉर्म्ड बाय मिडिल थर्ड ऑफ क्लेविकल। ठीक है। रिगार्डिंग डायगेस्टिक ट्राइंगल बोथ बाय एंटीरियर पोस्टीरियर, आपके जो डायगेस्टिक ट्राइंगल है बाउंडेड बाय एंटीरियर पोस्टीरियर बेली ऑफ डायगेस्टिक मसल एंड लोअर बॉर्डर ऑफ मैंडिबल। अब क्योंकि डायगेस्टिक ट्राइंगल इसको डायगेस्टिक बोलते ही इसलिए क्योंकि इसको आगे और पीछे से डायगेस्टिक मसल ही जो वो बाउंड कर रहा होता है। डायगेस्टिक मसल की दो बेली होती है, एक एंटीरियर एक पोस्टीरियर, तो ये बिल्कुल सही है। और नीचे जो है वह इसके मैंडिबल होता है। सो द आंसर इज़ राइट, पहला ऑप्शन ही सही है, बाउंडेड बाई एंटीरियर पोस्टीरियर बेली ऑफ डायगेस्टिक एंड लोअर बॉर्डर ऑफ मैंडिबल। ठीक हो गया। विच मसल इज़ प्रेजेंट विद इन द पोस्टीरियर ट्राइंगल ऑफ नेक? पोस्टीरियर ट्राइंगल ऑफ नेक में जो है वापस कौन सा मसल मौजूद होता है? इन्फीरियर बेली ऑफ ओमोहायोइड, इन्फीरियर बेली ऑफ ओमोहायोइड मसल। ठीक है। ओमोहायोइड मसल की दो बेलीज होती हैं, एक सुपीरियर और एक इन्फीरियर। तो जो इन्फीरियर बेली होती है वो आपके पास पोस्टीरियर ट्राइंगल के अंदर प्रेजेंट होती है। ठीक है। रिगार्डिंग पोस्टीरियर ट्राइंगल ऑफ नेक, पोस्टीरियर ट्राइंगल ऑफ नेक में जो है वो इन्वेस्टिंग लेयर ऑफ डीप सर्वाइकल फेशिया फॉर्म्स अ रूफ। डीप सर्वाइकल फेशिया की जो इन्वेस्टिंग लेयर होती है वो इसकी छत बना रही होती है, रूफ बना रही होती है। ये जो है बहुत कम आता है सवाल, इतनी डीप एनेट भी नहीं आती, लेकिन चलिए पढ़ लिया तो अच्छा है। अब आर्टरीज ऑफ नेक द डैमेज, अब देखिए इसमें ज़्यादातर सवाल पोस्टीरियर ट्राइंगल्स से थे, आपके पास दो ट्राइंगल होते हैं एंटीरियर और पोस्टीरियर। तो आपने ये ध्यान रखना है कि जो ट्राइंगल्स आप पढ़ रहे हैं उनमें पोस्टीरियर ट्राइंगल को ज़रा गौर से पढ़ लें। तो आर्टरीज ऑफ नेक डैमेज टू मिडिल मेनिंजल आर्टरी कॉजेज हेमाटोमा बिटवीन, आपके अगर मिडिल मेनिंजल आर्टरी के अंदर डैमेज हो जाए तो कहाँ से ब्लड निकलेगा? ड्यूरा मैटर एंड क्लेवेरिया से, ड्यूरा मैटर एंड क्लेवेरिया। मिडिल मेनिंजल आर्टरी इज़ अ ब्रांच ऑफ, मिडिल मेनिंजल आर्टरी आपकी कौन सी एरिया की ब्रांच है? इट इज़ अ ब्रांच ऑफ मैक्सिलरी आर्टरी। ठीक है। आर्टेरियल सप्लाई ऑफ मिड लाइन ऑफ फोरहेड, आपके फोरहेड की मिड लाइन में जो आपको एक आर्टरी दिख रही होती है इसकी आर्टेरियल सप्लाई कौन सी? इसकी सुप्रा ट्रोक्लियर, सुप्रा ट्रोक्लियर आर्टरी। हमने दो आर्टरीज पढ़ी थी, सुप्रा ऑर्बिटल आर्टरी और सुप्रा ट्रोक्लियर आर्टरी, एक आँख के ऊपर थी एक आँख के नीचे थी। तो ये जो आपके फोरहेड के बीच में जो नर्व सप्लाई दे रही होती है, सॉरी आर्टेरियल सप्लाई दे रही होती है, ये आपकी सुप्रा ट्रोक्लियर आर्टरी होती है। द आर्टरी विच कैन बी पल्पेटेड अंडर द मैंडिबल नियर द एंगल ऑफ जॉ इज़ योर फेशियल आर्टरी, इसको हम एस्थेटिक आर्टरी भी बोलते हैं। वो आर्टरी जो आपके मैंडिबल के अंदर जो आपके मैंडिबल के जॉ के नीचे और मैंडिबल के पास जो है वो पेल्पेट की जा सकती है, उसको हम फेशियल आर्टरी बोलते हैं। वेयर डू सेंसरी ब्रांचेज ऑफ द सर्वाइकल प्लेक्सिस एंटर द स्किन, आपकी सर्वाइकल प्लेक्सिस की सेंसरी ब्रांचेज स्किन में कैसे एंटर होती हैं? मिडिल पोस्टीरियर बॉर्डर ऑफ स्टेनोक्लेरोमास्टॉइड, आपके स्टेनोक्लेरोमास्टॉइड के मिडिल बॉर्डर से आपकी जो सेंसरी ब्रांचेस होती है सर्वाइकल प्लेक्सस की वो स्किन के अंदर एंटर हो रही होती हैं।
विच इज़ द लार्जेस्ट असेंडिंग ब्रांच ऑफ सर्वाइकल प्लेक्सस। सर्वाइकल प्लेक्सस की सबसे बड़ी असेंडिंग ब्रांच कौन सी है? डिसेंडिंग नहीं, असेंडिंग। विच प्रोवाइड सेंसेशन टू द एक्सटर्नल ईयर, इट इज़ योर ग्रेटर ऑरिकुलर नर्व। द सुपीरियर वैली ऑफ द ओमोहायर फॉर्म द एंटीरियर बॉर्डर ऑफ सर्वाइकल ट्राइंगल। कौन सी? कैरोटिड। द सुपीरियर वैली ऑफ द ओमोहायर फॉर्म द एंटीरियर बॉर्डर ऑफ विच सर्वाइकल ट्राइंगल? कैरोटिड ट्राइंगल। ओमोहायर्ड की जो सुपीरियर वैली होती है वो आपके कैरोटिड ट्राइंगल की एंटीरियर का एंटीरियर बॉर्डर बना रही होती है। ठीक है, बस दैट्स इट।